झूठे मामले में कोतवाली लाए गए सेवानिवृत्त लिपिक की आईसीयू में मौत। कोतवाली पुलिस के फूले हाथ पांव बांध दे। झूठे मामले में पुलिस सेवानिवृत्त लिपिक को लाई थी कोतवाली। कोतवाली मौदहा में लिपिक को हुआ सदमे से ब्रेन हेमरेज। एक एसआई, दो कांस्टेबल सहित 7 लोगों पर 304 के तहत मामला दर्ज। मृतक के परिजन बाद सैकड़ों लोगों ने जमकर अखाड़ा। कोतवाली में हंगामा। आखिरकार पुलिस हिला बहाली करती रही लेकिन माहौल बिगड़ता देख दर्ज किया मामला। जनपद हमीरपुर के उच्च आला अधिकारी भी पहुंचे मौके पर। कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए अधिकारी। पूरा मामला हमीरपुर जनपद की मौदहा कोतवाली का है, जहां पर 11 दिन पहले राजस्व विभाग के एक सेवानिवृत्त लिपिक को कुछ सट्टेबाजों के संबंध के चलते कोतवाली पुलिस के कांस्टेबल पंकज और एक कांस्टेबल अज्ञात को कोतवाली ले आई। पीड़ित के पुत्र ने बताया कि कोतवाली के अंदर एसआई श्याम राज सिंह ने मृतक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसके कारण मृतक को गहरा सदमा लगा और मृतक को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसे कोतवाली पुलिस की गाड़ी में CHC मौदहा ले जाया गया, जहां से कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया और कानपुर के एक निजी नर्सिंग होम के आईसीयू में 11 दिन जिंदगी से लेने के बाद मृतक पीर मोहम्मद जिंदगी की जंग हार गया। या सेवानिवृत्त लिपिक की मौत की खबर से पूरा क्षेत्र सदमे में आ गया और पीड़ित व मोहल्ले के सैकड़ों लोग कोतवाली पहुंच गए। मुकदमा लिखने में कोतवाली पुलिस करती रही बहानेबाजी। काफी समय के बाद कोतवाली प्रभारी विक्रमाजीत सिंह ने मामला दर्ज कर लिया है। आखिर क्या था पूरा मामला? आज से लगभग 3 माह पहले भी इन्हीं लोगों ने मृतक लिपिक पर कांशीराम कॉलोनी के आवंटन के मामले पर 45,000 लेने का आरोप लगाया था। तब उक्त प्रकरण की जांच कोतवाली पुलिस के एसआई शाहजहां अली ने की थी और मामले को निराधार पाकर निस्तारण कर दिया था, लेकिन झूठे आरोप लगाने वालों पर कोई कार्यवाही न होने से उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि दोबारा झूठा आरोप लगाते हुए एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। फिलहाल पुलिस के इस रवैये को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। केवी न्यूज इंडिया से राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हमने कहा ठीक है भाई, हम दुकान बंद करके आ रहे हैं। उन्होंने जबरन दुकान बंद करे, दुकान बंद करने में हमारे पापा को अकेले वो लोग आ गए। लोग जाने के बाद दुकान में ताला डाला, फिर ताला डालने के बाद हम यहाँ पर आए। फिर आने के बाद यहाँ पर 4-5 लोग वो भी मौजूद थे जिन्होंने FIR दी है। उन्होंने फिर हमारे पापा के साथ गाली गलूज और दुनिया भर का किया उनके साथ, जिसके तरह मानते संतुलन के कारण उन्हें झपड़ भी मार दिए गए, जिसके बाद सलाहुद्दीन पत्रकार बाहर मौजूद तो बाहर आकर गिर गए। उसके बाद से उन्हें सरकारी अस्पताल से रेफर कराया गया, कानपुर ले गए। अस्पताल ने कहा कि पालिस मार के ब्रेन हैमरेज हो गया। जब कुछ अब क्या वो चल रहा है, अब क्यों आप लोग थाने आए उनके खिलाफ FIR करने के लिए? इनके खिलाफ खुल के बोलो, खुल के बात करो यार, ये गोलमोल बात मत करो। हम पत्रकार, एक मिनट, हम पूछ रहे हैं जी। अभी हम पूछेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ